नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। 2014 में आमिर खान की एक फिल्म आई थी पीके, जिसमें भगवान शिव के कुछ सीन थे और उसको लेकर हिंदू समाज में आक्रोश था। उन्होंने विरोध जताया और कानून में विश्वास रखते हुए कार्रवाई करने की मांग की। मामला पहुंच गया कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदुओं ने अपना पक्ष रखा कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और इस फिल्म पर रोक लगाया जाए या फिर सीन हटाया जाए। अब इस पर कोर्ट का क्या जवाब था वो आपको सुनाते हैं। जैसा बोला गया था बिल्कुल वैसा ही। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि इंटरनेट युग में युवा वर्ग से कुछ भी छिपा नहीं है और इसमें किसी प्रकार के निषेध आदेश की आवश्यकता भी नहीं है। हमारा समाज काफी परिपक्व है, इसमें कोई भी आंदोलित नहीं होगा। यदि आपको पसंद नहीं है तो आप ये फिल्म मत देखिए। ध्यान से सुनिए हमारे सर्वोच्च अदालत का बयान एक बार फिर से। यदि आपको पसंद नहीं है तो आप ये फिल्म मत देखिए। जी हाँ, यही कहा गया था। चलिए अब बात करते हैं 2022 में हुए एक मामले की। ये मामला भी भावनाओं के आहत होने से ही था। नुपुर शर्मा का विवादित बयान जो कि जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्होंने दिया था, उसके बाद हिंसा हुई, हंगामा हुआ और ये सारी चीजों से आप परिचित हैं। अब इसको लेकर भी कोर्ट का बयान आया है। वो क्या आया है अब उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसा उन्होंने बोला है ठीक वैसा ही। हमारे सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि उदयपुर की घटना उन्हीं की वजह से हुई है। उदयपुर में जो कुछ भी हुआ वो तो आप जानते ही हैं। देश के लिए उनका बयान खतरा है। इसके साथ ही कई बड़े बयान नुपुर शर्मा पर सर्वोच्च न्यायालय ने दिए। प्रवक्ता है तो क्या कुछ भी बोलेंगी, ये भी सवाल उठा दिया गया। चलिए, ये तो हो गया भावनाओं को आहत करने वाली घटनाएं और उस पर कोर्ट का जवाब। अब एक बार फिर से मां काली और भगवान शिव को लेकर ही मामला उठा है। इस बार भी कई FIR दर्ज हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि इस पर क्या बयान आता है या फिर क्या फैसला कोर्ट इस पर लेता है। मामला ये है कि लीना ने मां काली का विवादित पोस्टर बनाया है और मां काली का अपमान करने वाली लीना के साथ वामपंथी और कुछ कट्टरपंथी संगठन भी आ गए हैं। अब भले ही कट्टरपंथी संगठन उन्हें समर्थन दें, लेकिन हिंदू समाज इस पर विरोध जता रहा है और लगातार कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। अब तो राजनेता से लेकर बॉलीवुड के सितारे भी लीना के विरोध में आ गए हैं और चारों तरफ से लीना पर एक्शन लेने की मांग की जा रही है। अब इस मामले में रामानंद सागर की रामायण में भगवान राम का किरदार निभाकर फेमस हुए अरुण गोविल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट किया है और नाराजगी जताई है। मां काली का अपमान करने वाली लीना को जमकर लताड़ भी लगाई है। अरुण गोविल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मां काली का अपमान हिंदू धर्म का घोर अपमान है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर सीधा प्रहार है। फिल्मों और विज्ञापनों में हिंदू देवी देवताओं का अपमान प्रचलन बन गया है। बार बार हिंदू धर्म का अपमान आखिर क्यों और कब तक? ऐसे जघन्य अपराध तत्काल बंद हो जाने चाहिए। अब उनके इस ट्वीट पर लोगों के भी रिएक्शन आ रहे हैं। जहां एक यूजर ने ये लिखा है कि गैर जमानती कानून बनना चाहिए इसके लिए, तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है कि देवी देवताओं का अपमान करने वालों को कठोर से कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए। एक और यूजर ने लिखा है कि सही कहा आपने, इन सभी पर कार्यवाही होनी ही चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर भी एक यूजर ने कमेंट किया और लिखा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि किसी की भावनाओं को आप ठेस पहुंचाएं। वहीं अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो एक्टर अनुपम खेर ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्वीट करते हुए उन्होंने तंज कसा है। अनुपम खेर ने लिखा है कि शिमला में एक बहुत ही प्रसिद्ध मां काली का मंदिर है, कालीबाड़ी। बचपन में कई बार जाता था बूंदी के प्रसाद और मीठे चरणामृत के लिए। मंदिर के बाहर एक साधु टाइप बार बार ये दोहराते थे कि जय मां कलकत्ते वाली, तेरा श्राप न जाए खाली। आजकल उस साधु और मंदिर की बहुत याद आ रही है। इस ट्वीट को TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर तंज माना जा रहा है, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने लीना का समर्थन किया था और उन्होंने खुद ही आपत्तिजनक बयान मां काली को लेकर दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि काली के कई रूप हैं, मेरे लिए काली का मतलब मांस और शराब स्वीकार करने वाली देवी से है। लोगों की अलग अलग राय होती है, मुझे इसे लेकर कोई परेशानी नहीं है। जिसके बाद उनके इस बयान पर खूब बवाल मच गया और सांसद महुआ मोइत्रा को भी खूब सुनाया जा रहा है। कार्रवाई करने की लगातार मांग की जा रही है और कई सारे FIR भी दर्ज हो गए हैं। जिसके बाद सांसद महुआ मोइत्रा ने BJP पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मैं एक काली उपासक हूँ, मैं किसी भी चीज से नहीं डरती हूँ, ना आपके अज्ञान से, ना आपके गुंडे से, ना आपकी पुलिस से और निश्चित रूप से ना आपके ट्रोल से। इसके साथ ही उनका एक ये भी बयान आया कि जितनी भी FIR आपको करनी है कर लीजिए, कोर्ट में सबको देख लूंगी।
वहीं अगर फिल्म मेकर लीना की बात करें तो उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री काली का पोस्टर रिलीज किया था, जिसके बाद खूब बवाल मचा था क्योंकि उसमें काली माँ को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। फिर लीना यही नहीं रुकी, इसके बाद भी उन्होंने एक विवादित पोस्ट किया और फिर तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्होंने महादेव और माता पार्वती को सिगरेट पीते हुए दिखाया। वहीं जहां नुपुर शर्मा पर लगातार कार्रवाई करने की मांग की जा रही थी और उन्हें माफी मांगने के लिए कहा जा रहा था, तो वहीं मां काली का अपमान करने वाली लीना और महुआ मोइत्रा का समर्थन किया जा रहा है। बहरहाल इस पूरे खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।